करके उसमें अच्छा देख आपको लेते हैं। डिडेंडो और डिविडेंडो कुछ अच्छा टाइप अच्छा वो सब नहीं कराए, ठीक है वो करवा देते हैं, करवा देते करवा देते हैं। जैसे। इंट्रायंगल और पी अब क्यू आर, इधर कितना हो गया जो भी दिया रहेगा उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सा क्या राइट एंगल एट इस में मीटर भी नहीं क्यू। है और कितना लोग लेट मीटर के भी नहीं पढ़ाई है। करता है अभी, मस्त एकदम बेड पे। कौन है कौन एकदम आया बेड पे सर लेटे बैठ हुए बैठ के कर रहा है कि एकदम तकिया लगा के सो गया होगा कि हाँ सर चलिए सर बोलिए, अब आपका काम है बोलना, के? हम लोग नहीं सर सुनेंगे। पूछ लीजिए घर में बैठ के करते हैं। रुको फिर से हमको कॉल करना पड़ेगा सबके घर, जरूरी है, करते हैं आज ही से फिर से लगते हैं। लोग कुछ चेयर दिलवाते हैं हम, नहीं बैठ के पढ़ा चेयर पे धजिया उड़ा देंगे तुम लोग का, हम देख लेना। लिखो नेक्स्ट। अब इसको आज तो 8:30 तक पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे नहीं जी तुम लोग को, क्योंकि ये हमारा ये मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है तुम लोगों को समझाने में ही हर इस बार। लाइन से अगर हम इधर की तरफ लिखते हैं हम्म, सर ऐसा ही क्वेश्चन काहे होगा हमारा का क्वेश्चन कंफ्यूजन। बना रहे हैं। राइट एंगल क्यू पे है और एंगल क्यों ही ढूंढना है। बोलो सर, ठीक एंगल आर ढूंढना है। यहां से आर वाई ट्रिगनल यहां पे कहीं सेकंड फोर्स से लगेगा एन के इधर नीचे लगेगा सर R30 और P60। ठीक ठीक। ये भी कितना होगा आर बाई टू होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा तो हम टॉर्क के लिए सकते हैं एक्सप्रेशन एम जी आर बाई टू साइन थीटा। थीटा बहुत है स्मॉल और आई कितना हो जाएगा बोलो। ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ऐसा सेम कराए थे, बस वहाँ पे रॉम्बस आया था तो थोड़ा सा उसमें तो और ये इसमें। रेक्टेंगल कैसे होगा? क्या रेक्टेंगल कैसे होगा? पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल थोड़ी ना होगा। रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री एंगल होता है। पैरेललोग्राम अरे लड़का रेक्टेंगल होगा ना। है, डायगोनल बनाओ ना भाई और BAC फिर अच्छा इसको एज्यूम करो। और BAC कैसे एंगल लिखेगा बताओ तो जरा। कोई भी हम लोग फिगर का नाम कंटिन्यूअस लिखते हैं ABCD, तो BAC कैसे लिखेगा? BAD लिखेंगे या BAC लिखेंगे अगर एंगल A की बात करें तो बताओ तुम्हें। BAC BAD लिखेंगे ना, लेकिन यहाँ BAC है तो इसको मिलाओ और ये एंगल 60 हुआ। कभी भी एक क्लोज फिगर का नाम हमेशा हम लोग आइदर एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं या क्लॉकवाइज लिखते हैं। कभी ऐसा नहीं कि A यहाँ लिखे B यहाँ लिखे और सी यहाँ कर दी और डी यहाँ कर दी, ये गलत मेथड होता है। एक क्वाड्रिलेटरल या कुछ भी हो तुमको नाम हमेशा कंटिन्यूअस लिखना है। कंडीशन ये है कि पहले से गिवेन इन द गिवेन फिगर ऐसा करके क्वेश्चन में दिया हुआ ना हो। तो ये दो क्वेश्चन बनाओ। अगर क्वेश्चन में ही फिगर को उस तरीके से प्रेजेंट करके रिप्रेजेंट करके दिया है बनाने को तब तुम कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब तुम एक खुद से क्लोज फिगर बनाने जा रहे हो तो तुमको नाम आइदर क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो बट कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है। क्वेश्चन तो यह रेक्टेंगल और रोम्बस था, डिफरेंस है दोनों में, इसको बना जाओ। ये क्वेश्चन करो तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये बोर्ड वगैरह में शायद ही पूछेगा, लेकिन बनाओ इसको। ये फॉर्मूला एक होता है, इसको याद कर सकते हो तो कर लेना अभी से। आगे यहाँ से मान लेते हैं कि इसमें एक्स इलॉन्गेशन हुआ है तब ये कुछ ऐसा ओमेगा से रोटेट हो रहा होगा और गति की वजह से जा रहा होगा। चूंकि बोला है कि स्लिप नहीं हो रहा है तो बेस पर तो ओमेगा आर के बराबर होगा। अब इस केस में डेल्टा फोर्स और स्लिप में
आदित्य कहाँ था जी तुम इतना दिन से? बोलेगा ही नहीं। तीसरा में भी ना बने तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन पहला दूसरा बना लो, तीसरा हम बता देंगे क्या करना है नहीं करना है तुमको। चलो इस पे सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं, अब बचा नहीं है करने को। एक कॉम्पेंडो डिवेंडो वाला करवाना है ना, ठीक है उसको एक बता देगी। ट्रिगो में ज्यादा नहीं, तीन लेक्चर और लगेगा बस, क्योंकि आइडेंटिटीज में हम दो दिन तुम लोग से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पूरा पूरी दो दिन। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस तुम लोग के मिड टर्म में नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर लेने के बाद सर। सर बोलो, ये साइन ए माइनस साइन बी है नीचे थर्ड वाला में, साइन ए माइनस बी ब्रैकेट में, नहीं नहीं नीचे नीचे उसके नीचे वाला लाइन में कॉस ए माइनस बी, नहीं इनटू 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 साइन ए इनटू साइन बी। हाँ अच्छा, हम उसको माइनस लिख दिए, हर जगह इनटू है, कॉस ए इनटू साइन बी, साइन ए इनटू साइन बी, सब माइनस मल्टीप्लिकेशन में ये माइनस है। चलो बताओ पहला कितने से बना? पहला आसान था, बन गया होगा सबसे। पहला नहीं बना जी। सर बन गया। कितना कितना आया एंगल? 30 डिग्री और 60 डिग्री। चलो देखते हैं, देखो बाकी जिससे नहीं बना, ये तो आसान था। ट्रायंगल पी क्यू आ रहा है, ठीक है, और राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर, और इसमें यहाँ पे 90 है, पी क्यू 3 है, पी आर 6 है, ठीक है। एंगल पी निकालना है, एंगल पी बताओ कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं, कोई भी बताओ। साइन पी बाई एच। साइन? हाँ नहीं 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 सर, ना लायक लड़की, अभी तुमको ये तीन पता है। परपेंडिकुलर। अच्छा पी से देगी परपेंडिकुलर बाय पी से देखो ना अभी एंगल। हाँ ये छह सेंटीमीटर। कॉस ले सकते हैं, हाँ तो एंगल पी के लिए क्या लेंगे, कॉस पी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉस पी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू अपॉन आर पी। तो cos p equals to pq 3 है, rp 6 है, तो 1/2 तो 60 डिग्री। तो cos p equals to cos 60, इसलिए एंगल p कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। अब आया हमारा r के लिए, तो r के लिए कौन सा हम यूज करेंगे, तो r जैसे ही इस एंगल पे बात करेंगे तो ये वाला साइड pr साइड परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा, pq साइड साइन होगा, तो इसके लिए फिर हम साइन का यूज करेंगे। तो फिर साइन r equals to सर। हाँ बोलो सर, आर एंगल सम प्रॉपर्टी से नहीं निकल जाएगा? वो भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना है उससे निकाल लो, कुछ भी करो तुम्हारे ऊपर है।
लेकिन अभी ट्रिगो पढ़ रहे तो हम वहां तक नहीं सोच, वहां पे अभी नहीं भेजना चाह रहे तुम लोग को। तो साइन आर, फिर साइन आर और पी क्यू बाई, ये भी 1/2, इसलिए साइन आर इक्वल्स टू साइन कितना 30 डिग्री, आर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल आर 30 डिग्री। आया समझ में सबको? जिसको नहीं आया पूछेगा, जिसको भी नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन पूछो। सबको आ गया तो फिर सेकंड बनाओ, बनाओ सेकंड, फिर सबको आ ही गया है तो। रेक्टेंगल एबीसीडी, अब पाइथागोरस देखा था ना जी, कितना आसान है पढ़ना, देखा था कि नहीं? हम इतना दिन पढ़ाए थे तुम लोग को, अरे नहीं देखा वीडियो जो भेजे थे? हाँ सर देखे थे। हाँ नालायक लोग, देखा है उसमें पाइथागोरस को क्या बोला था? चाची सर तू दुनिया के नहीं है ना भाई, तू इस दुनिया का रहेगा तब तो पता चलेगा। क्या बोला था? हम क्या बोले, वीडियो देखा ही नहीं तो हम क्या बताएंगे, नहीं देखे हो तो हम नहीं बता रहे, सब कुछ हम ही बता दे। चलो बनाओ सेकंड, अगर फर्स्ट सबसे बन गया तो। थर्ड बना जी समीर? बना रहे सर, अभी बना नहीं है। बनाओ सेकंड, बनाओ सब। फर्स्ट में कोई डाउट नहीं पूछा इसलिए हम फर्स्ट नहीं बताए, फिर देख लो सेकंड बनाओ फिर। सेकेंड किससे बना? अगर एक को एक, सेकेंड नंबर किस किस से बना? समीर से बन गया। ओमकार हर्षदीप, अच्छा ओके। आदित्य चौधरी से बना, ठीक है। इन रेक्टेंगल एबीसीडी, अरे नालायक लोग ये भी क्वेश्चन नहीं बनाया। रेक्टेंगल दे दिया तो सर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ए बी सी एंड डी, बी ए सी 60 डिग्री है, इसको बढ़ाओ आगे, मतलब मिलाओ इसको अच्छे से, ठीक है। ये एंगल 60 दे रखा है, ये 90 दे रखा है, और ए बी 20 दे रखा है, तो बी सी नहीं निकल जाएगा? बताओ। हाँ वो निकल गया। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा हमको रेशियो निकालना होगा? हमको बी सी निकालना है, तो बी सी कौन सा साइड है इस ट्रायंगल के लिए? हम जब इस एंगल की बात कर रहे तो परपेंडिकुलर, और पता क्या है, ए बी पता है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? तो 1060 यूज करेंगे, बी सी अपॉन ए बी, ए बी तो 1060 कितना होता है बताओ जल्दी? √3, √3, बी सी अपॉन ए बी,
यानी BC अपॉन 20, तो BC कितना हो गया 20√3 सेंटीमीटर। हाँ फिर पाइथागोरस लगाओ और AC निकालो। अगर पाइथागोरस नहीं लगाना है तो फिर पाइथागोरस क्यों लगाओगे जब ट्रिगो पढ़ रहे हो तो? हाँ तो हाइपोटेनस निकालना है तो अब हम साइन 60 यूज कर लेते हैं। साइन नहीं सॉरी कॉस, कॉस 60 यूज कर लो। साइन भी यूज कर सकते थे क्योंकि हमको ये साइट पता चल गया था ये कितना आ गया था 20√3, तो अब साइन भी यूज कर सकते थे। चलो कॉस यूज करते हैं, तो कॉस 60 इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ए बी अपॉन ए सी लिखेंगे ना। और कॉस यस सर कितना 1/2 और ए बी कितना है 20 और ए सी, तो ए सी कितना निकल के आ गया 40 और बी डी कितना होगा जी बताओ कोई 40 क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल। यस सर यही तो करना था इस क्वेश्चन में बस। तीसरा किससे बना? सेकंड कितने को नहीं समझ में आया आप समझाना है फिर से तो बताओ। सेकंड नंबर फिर से बताएं। हां सर सेकंड बताना है क्या फिर से? हां सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहां नहीं समझ में आया सर? ये cos 60 ab by ac वाला जो बताया ना क्या इसमें नहीं समझ में आया? cos 60 राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, इसको ए करो, इसको बी करो, इसको सी करो। यहाँ पे 60 क्या लिखेंगे यहाँ पे cos 60 इस ट्रायंगल के लिए? cos थीटा क्या होता है बताओ? b by h क्या b से बैल भी होता है, b से बुड़बक भी होता है। बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos 60 इसमें बेस कौन सा साइड है? AB और हाइपोटेनस कौन सा साइड है? AC, तो वही तो किए यहाँ पे cos 60 AB by AC और cos 60 का वैल्यू 1/2 और AB तुमको 20 पता था यहाँ पे, यहाँ से AC निकल गया। इसमें क्या दिक्कत हुआ? दिमाग फ्यूज रहता है, जगह पे रहता ही नहीं है दिमाग, तो कैसे नहीं कंफ्यूज होगी। तीसरा किससे बना? हैंड्रिस करो तीसरे के लिए। अक्षत से बना, बस आदित्य चौधरी बन गया तीसरा, उसका माइक खराब होगा, पक्का माइक खराब होगा। मतलब गधा लोग एक माइक भी नहीं खरीद सकता है, शादी में जाना होगा तुरंत ड्रेस खरीदेगा, अभी माइक जरूरी है, माइक एयरफोन नहीं खरीद रहा है, बहुत बदमाश सब है। एक अक्षत से बना बस, और किसी से नहीं बना, नहीं बना जी। देखो क्या करना है इसको, हम ए का वैल्यू अगर कितना 45 ले ले और बी का वैल्यू अगर 30 ले ले, पुट करके देख, तो साइन 45 - 30 कितना देगा ये? और इधर फॉर्मूले पे पुट कर दो, साइन 45 × cos 30 - cos 45 × sin 30। बस बना जाओ, ये तुमको कितना देगा? साइन 15 ही देगा ना, और साइन 45 कितना 1/√2, cos 30 कितना √3/2। बस यही करना था इस क्वेश्चन में, आया समझ में या फिर से बताए बताओ सर? इसमें अपने से वैल्यू सोचना पड़ेगा, अपने से सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है? ऐसा वैल्यू रखना जीरो जो जो का वैल्यू तुमको पता है, यानी 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम साइन 15 निकालने के लिए हम ए का वैल्यू 60 भी रख सकते थे और बी का वैल्यू 45 भी रख सकते थे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेगा तो भी साइन 15 ही मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए का आइदर 45 और बी 30 रखो, या फिर ए का वैल्यू 60 या फिर बी का 45 रखो। आंसर हमेशा क्या आएगा? साइन 15 का वही निकल के आएगा। वैसे सोचना पड़ेगा इन सब क्वेश्चन में, ठीक है? आया सबको समझ में? अब यहाँ पे साइन 30 निकालने बोलता बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो ए का भी वैल्यू हम क्या रखते, 60 रखते, या ए का वैल्यू 90 रख लेते और बी का वैल्यू 60 रख लेते, तो साइन 30 निकल के आ जाता, आता ना?
आया सबको समझ में? किसी को डाउट हुआ तो पूछो। सर आ गया समझ। सबको आया? अब निकल जाएगा साइन 45 वन बाय रूट टू, कॉस 30 कितना, रूट थ्री बाय टू माइनस कॉस 45 वन बाय रूट टू, और साइन 30 कितना, वन बाय टू। तो अब इसको सॉल्व करो, रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, और वैल्यू होता है साइन 15 का इतना ही। साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू। ये आगे क्लास में पढ़ना होता है साइन 15 का वैल्यू, बताओ तो ये होता है साइन 15। तो ये सब क्वेश्चन बनाओ अपने मजे से, किसी को डाउट हुआ तो पूछो इस क्वेश्चन में, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। सर आ गया समझ। आ गया, तो एक क्वेश्चन और है करो इस पे। जैसे कि कैसे कि कैसे कि जैसे कि ऐसे कुछ है, एक एंगल, ये आखिरी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड। ए बी या सान है बनेगा सी, यहाँ पे थीटा है ठीक है, और एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री है, मतलब इसको थोड़ा ठीक से बना लेना, ये 90 डिग्री है ठीक है, और ये तुम्हारा डी हो गया। उसके बाद इसमें ए डी फोर दे रखा है, बी डी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तुमको कॉट थीटा निकालना है। सर ए बी सी भी राइट एंगल है? हाँ ये यहाँ पे राइट है, कॉट थीटा निकालो क्या होगा। चलो आखिरी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड, देखते हैं अब तो नहीं बचा, अब कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बनाओ इसको। सर 12/5 कॉट थीटा, हाँ 12/5 ठीक है। अरे यार अभी उस तरीके कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो वाला रह गया ना जी, खत्म ही नहीं हो रहा ये चैप्टर, ये टॉपिक किसे काम चलेगा ऐसे, मैथमेटिकल डिपेंडो का आंसर भी नहीं है बुकलेट में, देखना पड़ेगा। बन गया सबसे बता दे, करना कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। AD 4 BD 3 तो AB कितना, AB 5 और BC 12, तो cot थीटा क्या होता है, क्या होता है जी cot थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या, ABC में देखना पड़ेगा ना cot थीटा, अरे नालायक लड़की, कभी भी ये सब क्वेश्चन आता है तो वहाँ मत लिख देना cot थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे नाम लिखना जो बेस। सर बेस बाय परपेंडिकुलर के बाद नाम लिखेंगे तो कुछ दिक्कत है? नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर लिख के बनाते चल दिए, नहीं नहीं लिख देंगे ना, साइड का नाम लिखना हमेशा। तो चलो ये था तुम्हारा ये सारा क्वेश्चन सर। हाँ सर, जो हम लोग टी रेशियो लिखते हैं, हाँ उसमें हम लोग कोई इंटीजर क्यों लेते हैं, जैसे कि एम को इंटीजर क्यों लेते हैं? मतलब सपोज क्यों करते हैं, मतलब तो क्या क्या चाहती है कैसा नंबर सपोज करना चाहती है बताओ। तुम एम और एक्स, एम का वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना, माइनस में प्लस में कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इंटीजर सपोज करके रखा गया है।
और क्या, इंटीजर में सब कुछ आ जाता है ना, नंबर लाइन पे जितने भी चीज होती है इसलिए इंटीजर लिखा जाता है। समझ में आया? हेलो, विलुप्त हो गई। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था जी? मिस्टर पीयूष सर, 17 नंबर में था ना एक क्वेश्चन पैकेज का, क्लास दसम। ओके 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 ओके, ये तो 17 बनाने ही दिए थे। मार्क किए थे ना सर? हाँ देखिए 5, 6, 7। अच्छा 5, 6, 7 17 बनाने दिए थे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारा 5, 6, 7, 8 ये सब बोले थे। एक बार अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे कितने से बनेगा ये, बनाओ तो। जिनसे भी बन सकता है बनाओ। देखो करना कुछ नहीं है, तुम लोग रेशनलाइजेशन पहले पढ़ा होगा क्लास 9 में, तो कुछ नहीं करो, इसको रेशनलाइज करते चलना, ठीक है? जैसे 5 में क्या है, 1 + cos θ / 1 - cos θ है, तो इसको रेशनलाइज करके देखो बनाने का बन जाएगा। देखो तो बनाओ तो सब कोई, ये चारों क्वेश्चन बोले थे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बनाइए 5 नंबर बनाइए। ऐसे 1 - cos θ आइडेंटिटीज भी ना बताइए, नहीं हो पाएगा हमको जहां तक लग रहा है। ठीक है अभी रहने ही दो इसको, आइडेंटिटीज अभी नहीं ना डिस्कस किए हम लोग, नहीं सर। उसमें कुछ कुछ होता है, 1 - cos²θ का होता है कुछ वैल्यू, तो ये सब अभी रहने दो, रहने दो अभी। जब आइडेंटिटीज जब पढ़ाएंगे ना तब बनेगा। बाकी इसमें अब एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन तुम सारा बना, जितना था हम सब डिस्कस कर दिए थे, है ना? एंगल का तो अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं था। यस सर। और एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट में सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड है, तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग शुरू करने ही वाले हैं। हाँ इसमें एक भी क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड नहीं है, तो चलो हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है पीयूष? अंजना तुम बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से जो कम होता है, मतलब 90 माइनस करेंगे जो भी आपका वो, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वाह मोहतरमा, वाह 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 वाह, ये हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट। और बताओ जी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सर जो सब इसका सम 90 होता है, दो एंगल का क्या सम? चार एंगल, पांच एंगल, दो एंगल, दो एंगल का सम अगर दो एंगल होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे ना बोलो जी, एंगल का सम 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो क्या पढ़ना है हमें? टी रेशियोज ऑफ रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो इसमें क्या होता है, किसका कॉल आते रहता है जी पढ़ाई करने के टाइम? मैसेज आते रहता है। अनुप्रभा तेरा ही तो बज रहा था फोन। चलो देखो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे इसका प्रूफ कितने को पता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन कैसे होता है कोई बताएगा? सर हमको पता है। क्यों पता है? ठीक है और किसी को? सब रट के खड़ी बैठ गया है जी। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ए बी सी, बताओ कैसे पीयूष? ये समीर सर ये एंगल ए थीटा हुआ,
और एंगल सी 90 माइनस थीटा होगा। हाँ उसके बाद क्या करेंगे? तो अगर हम लोग ना अगर साइन थीटा लेते हैं, अच्छा तो ए बी बाई बी सी आएगा। होश में रह के बोल, साइन थीटा ले रहे हैं तो 90 माइनस, और अगर साइन 90 माइनस थीटा लेंगे जो एंगल सी होगा, हाँ, और फिर उसका रेशियो कॉस थीटा के साथ इक्वल करेंगे ना, तो वो इक्वल हो जाता है। ठीक है चलो, जान रहे हो जान रहे। ये 90 माइनस थीटा होगा, सबको एग्री कर रहा है इस बात से? कोई है ऐसा जिसको लगता है कि ये चीज समझाया जाए फिर से तो बताओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एंगल बी पे 90 डिग्री है, एंगल ए को मैंने थीटा एज्यूम किया और एंगल सी को 90 माइनस थीटा लिख दिया। कोई ऐसा जिसको लगता है ये चीज समझाया जाए तो बताओ। कोई नहीं है ऐसा? वाह शाबाश। अब देखो क्या करना है तुमको। साइन थीटा का वैल्यू बताओ मिस्टर राज कौशल, बताओ तुम ही बता दो यार। साइन थीटा इस ट्रायंगल के लिए क्या, जल्दी। बहुत वक्त लगाता है। साइन थीटा क्या लिखेंगे यहाँ पे? बीसी अपॉन एसी। ठीक है, ये हो गया साइन थीटा के वैल्यू। अब अगर हम तुमसे बोले क्या बोला जाए, कॉस 90 माइनस थीटा बताओ, तो क्या लिखेगा? AB by AC। और कोई? यही होगा सर। यही होगा, सही खेल रही है तू भी। और कोई? ये गलत है सर। BC by AC होगा। अरे नालायक लोग, हम बताए थे ना यहाँ पे 90 माइनस थीटा रहे, का लिखा रहे, ए लिखा रहे, बी लिखा रहे, भूल के। हमको लगा आप साइन 90 माइनस थीटा बोले। वाह, करेगा बहाना मारेगा तुम, सही में ऐसा लगा? मैं सही लगा हमको। अच्छा क्या बना रही आंटी जी, बुढ़वक सब। हम बताए थे ना कभी अगर यहाँ पे का रहे, खा लिखा रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा रहे, मतलब हम उस पे नहीं जाना है, हमको देखना है उस एंगल से रिलेटेड फिर साइड को कैसे डिसाइड करेंगे। तो कॉस थीटा, कॉस की बात कर रहे हैं ना, कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? अनुप्रभा बोली हाँ सर वही होगा। तो इस हम इस एंगल की बात करें, साइन 90 माइनस थीटा कहाँ पे? सी पे है ना, एंगल सी पे है ना, तो एंगल सी के, अरे यार क्या बना रही है, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं होगा तो, हाँ, बीसी बाई एसी। तो बीसी बाई एसी, तो पहला और इक्वेशन दूसरा से आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब इसको ऐसे याद रखो कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब तुम चेंज करके देखो, अब यहाँ पे इसको कॉस थीटा कर लो, तो कॉस थीटा लिखेंगे तो रेशियो क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो क्या रेशियो बनेगा, कॉस नहीं, अब साइन करो इसको, तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी हम एंगल सी की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, ए बी अपॉन ए सी। तो हम एक और फॉर्मूला क्या जान गए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो तुमको हम टोटल ऐसा 6 रेशियो लिख दे रहे हैं, सबको याद कर लेना, इसमें टोटल तुम्हें 6 जानना है, और वो 6 कौन कौन सा है, और आज के बाद याद कर लेना इस चीज को। पहला साइन लिखते चलो, प्रूफ आया समझ में या नहीं आया किसी को? नहीं आया तो बताएगा, अगर फिर से डिस्कस करना है तो हम कर देंगे। सर कॉस 90 माइनस थीटा वहां पे फिर उसके निकाले तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अरे एक्स इक्वल टू वाई, ए इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू ए लिखता है। हाँ तो यही तो है, साइन थीटा इक्वल टू बीसी बाई एसी, कॉस 90 माइनस थीटा भी बीसी बाई एसी के बराबर, तो इक्वेशन 1 और 2 से।
यहाँ लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. आया समझ में पीयूष? ठीक है, और किसी को डाउट नहीं है तो ये छह रेशियो याद कर लेना, बनाते बनाते याद हो जाएगा. तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा. ठीक है, तीसरा तीसरा टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा, पांचवा पांचवा क्या बचिया एक सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है थीटा थीटा. तो ये छह तुम्हें याद होना चाहिए. ठीक है, ये छह तुमको क्या होना चाहिए रटाया जाना चाहिए. तो पहले एक बार देख लो सारा रेशियो, फिर इस पे हम क्वेश्चन करा रहे हैं. देख लिया सब सर? वो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन पे जाइए ना, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें. कौन आइडेंटिटीज का क्वेश्चन अभी नहीं करा? बुकलेट नहीं ले गए अपना, झेलो, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे उधर. इतना दिन से बोला जा रहा है बुकलेट लेके जाओ, बुकलेट लेके जाओ, तुम लोग के क्या हम बोले, हम काहे नहीं ले जा रहा है बुकलेट? हाँ, कोरोना हो जाएगा क्या यहाँ आएगा लेने? तुम बोलो, बोलेगा ही नहीं, इतने दिन से बोल रहे हैं तो लेके क्यों नहीं जा रहा है बुकलेट? आखिरी में दिखाएंगे, अभी नहीं. इतना दिन से बोल रहे हैं बुकलेट ले जाओ, बुकलेट ले जाओ, और आज ये ओमकार है कि भाग गया वो? जो बाहर है अपना एड्रेस भेज दो, पार्सल होगा बुकलेट. अरे यहाँ पे सब कोई तो बोकारो में ही है, तो बोकारो वाले को हम पार्सल नहीं कर रहे हैं. बुकलेट पार्सल करेंगे, तो जो बाहर है उसको पार्सल करना ही पड़ेगा ना. हम भी सर बाहर चल जाए, हमको भी पार्सल कर दीजिएगा ना. तुमको नहीं कर रहे पार्सल, तुम्हारा घर है यहीं पे. हम बाहर चल जा रहे हैं. चल जाओ, उतना हम नहीं फैसिलिटी दे रहे, जो यहाँ का नहीं है उसके लिए पार्सल हो रहा है. चलो, देख लिया सबको ये सारा रेशियोस? यस सर. देखो अब इस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं कैसा कैसा तुम लोग से पूछा जाता है. तुमको एक चीज ध्यान रखना है, ये रेशियोज हमेशा साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक, और कॉसेक किसके होता है सेक के बराबर. तो देखो इस पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा तुमको बस दिमाग लगाना. जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम लिख दे साइन 62 डिग्री, तो 62 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा बताओ? 62 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना सर? कितना? 28 होगा. 62 और 28 जोड़ो ना, आएगा 90. हमेशा ऐसा मिलेगा तुमको क्वेश्चन जिसमें दो एंगल का सम हमेशा 90 दिखेगा. तो यहाँ साइन 62 है और नीचे कॉस 28 है. देखो तो दोनों है कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? यस सर है. क्योंकि 62 प्लस 28 कितना देता है हमेशा 90 डिग्री. तो जो भी क्वेश्चन तुमको अभी मिलेगा, तुमको बस यही चीज ढूंढना होता है कि कौन से एंगल का पेयर बनाए कि हम उन दोनों को ऐड करें तो 90 मिलता जाए. बस ये काम करना है इस टॉपिक में. ठीक है, इस टॉपिक में यही चीज करना होता है. तो अब देखो साइन 62 कॉस 28, एक को वैसे ही रहने दो और दूसरे को चेंज करो. तो हम कॉस 68 को 28 को क्या लिख सकते हैं? कॉस सर साइन 62 को भी चेंज कर सकते हैं ना? कोई भी. ठीक, हम कॉस 28 को क्या लिख दिए? कॉस 90 माइनस 62 लिखेंगे, क्योंकि 90 माइनस 62 हमको फिर से क्या देगा? कॉस 28 ही देगा ना, है कि नहीं? अब देखो साइन 62 और कॉस 90 माइनस थीटा क्या देता था? साइन थीटा. तो साइन 62 दोनों कैंसिल होके कितना देगा? 1. किसी को नहीं आया समझ में तो पूछो. किसी को नहीं अगर समझ में आया तो पूछो.
आ गया, तुमको एक कांस्टेंट रखना है, एक को ऐसे ही रखना है हमेशा। तुमको क्या करना है, दो एंगल ढूंढना है जो कि क्या हो, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो, और उसमें से एक को वैसे एज यूजुअल छोड़ना और दूसरे को बस चेंज कर देना, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम लोग अगले क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आइडेंटिटी शुरू कर देंगे, दो लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, आराम से दो लेक्चर और लगेगा बस। हम तो सोचे थे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा जी, लेकिन तुम लोग अच्छे से सीखते जा रहे हो तो फिर वक्त नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर वन वो हो गया। सेकंड बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, कॉसेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाई, कॉसेक के साथ देखो क्या है, सेक है ना, तो सेक कितना लिखेंगे यहाँ पे, खुद से क्वेश्चन जनरेट करो। सेक कितना, 58। इसका भी वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो सॉल्व करके। तीसरा यहाँ पे से कुछ कुछ आइडेंटिटीज के क्वेश्चन दिख जाएंगे, तो हम एक एक करके जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वो सारे आइडेंटिटीज को डिस्कस करते चलेंगे। अरे तीसरा क्वेश्चन लिखो, कॉस स्क्वायर 13 डिग्री। अब 13 का क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री बताओ कोई, 77। और साइन किसके साथ आएगा, साइन के साथ आएगा 77। बनाओ ये सब, ये जीरो आना चाहिए। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, तुम्हें अगर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिखा हुआ मिला तो इसका वैल्यू क्या लिखोगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, उसी तरीके से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। करो, मीटिंग एंड नहीं हुआ बीच में, मेरे आईडी से लिए ना, सही है सर, कभी कभी मेहरबान रहता है, कभी कभी एंड हो जाता है 40 मिनट में। कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, कितना हो गया कंप्लीट, दो गो सर, दो गो। सर सर हेलो सर हेलो सर हाँ बोलो, सो गए, चौथा नंबर दीजिए, मारेंगे ना, सो गए, नहीं आवाज नहीं आ रहा था आपका सर, फोर्थ सर, थर्ड एक बार बताइए ना, अरे चेंज करो ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है 13 और 77। हाँ तो इसको कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 77, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस 77 लिखो, और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर 77, इसको छोड़ो, कॉसेक है वो, कॉस है ना, अरे वही यार, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, तो साइन स्क्वायर 77 डिग्री दे देगा, माइनस साइन यहाँ पे स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 77 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए क्या, जीरो। अब काट के ऐसे मत दिखाना, काट काट कर रहे हैं वो मत करना, मारेंगे भी फिर हम कभी नहीं, ट्रिगो में डिवीजन में भी रहेगा तो काट मत देना, जैसे इस क्वेश्चन में, हाँ सर ये कट गया, ये कट गया, वन हो गया, वो मत करना कभी भी। अब क्यों नहीं काटते वो सब कभी हम बता देंगे बाद में। ये बन गया होगा दूसरा सबसे, तो चलो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है, तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, तुमको बस ढूंढना है वही चीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये ढूंढते चलो और बनाते चलो। 670
साइन 20 माइनस कोस 20 और कॉसेक 70। डाउट होगा जिस भी क्वेश्चन में पूछते जाना। पांचवा नंबर लिखो। कॉट 54। अगर अभी वो नहीं याद है रेशियोस तो एक बार देख लिया करना, जो नोट्स लिखवाए छे वो उसको देख करके बनाया करो। सर 40 है। हाँ ठीक है। टेन यहाँ क्या लिखेंगे, 54 है तो 36 लिखेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे अगर 10 20 करें तो नीचे क्या जाएगा, कॉट 70 जाएगा, और प्लस 2 कर दो, इसका वैल्यू निकालो। बन रहा है सबसे, किसी को डाउट है तो पूछो। सर 4 है। हाँ ये सब बन जाएगा। मेरे को मेल पे कर दीजिए ना, हम भेज देंगे आगे। डाला हुआ है मेरा ना वहां पे, VIS डालिए ना, खुद आ जाएगा। सेंड कर दीजिए, हम भेज देंगे इसको, ठीक है। आपका दो बार आ चुका है। 5 का 4 आया आंसर सबका। हाँ सर आ गया सबका। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। यस सर। ठीक है तो ये सब बेसिक। रात में कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेगा क्या? नो सर, नहीं बना। नहीं सर, 40 नंबर नहीं बना अभी। अरे नलायक लड़का। 670 साइन 20 कॉम्प्लीमेंट्री है खुद में, 70 और 20। एक को चेंज करो, कोई एक को, दोनों को नहीं चेंज किया तो किसको चेंज किया? साइन को। साइन को तो यहाँ लिखा होगा sec 70 डिग्री इनटू cos 70 डिग्री। पबजी है ना? अरे पबजी और यहाँ पे क्या लिखेगा, किसको चेंज करेगा यहाँ पे? कॉसेक को। कॉसेक को तो कॉस 20 इनटू कॉसेक 70 को चेंज करेगा तो क्या देगा? कॉसेक का रिलेशन किसके साथ? 70 माइनस 20। हाँ तो क्या देता था? कॉसेक 9 sec थीटा। sec थीटा, देखो इसमें थोड़ा चेंज कर लेना क्योंकि sec थीटा। हाँ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec 20 डिग्री लिखोगे। अब देखो तो sec इनटू cos क्या होता है, बताए थे हम sec इनटू cos? नहीं याद है, नहीं याद है। sec इनटू cos 1 बताए थे ना, जो जो रेसिप्रोकल होता है उसका मल्टीप्लिकेशन 1, तो 1 और cos इनटू sec भी 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोले थे ना sec थीटा इनटू cos थीटा 1। अब यहाँ पे sec का है और cos खा है, तब 1 मत लिख देना, थीटा के जगह पे सेम चीज होना चाहिए। sec थीटा जैसे sec 90 इनटू cos 90 तभी 1 लिखेंगे, ये नहीं कि sec 90 इनटू cos 60 है तो 1 लिख देंगे, तब 1 नहीं। यहाँ पे थीटा के जगह पे सेम वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे है ना cos 20 इनटू sec 20 तो क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि cos थीटा इनटू sec थीटा क्या होता है? 1 होता है। ये सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगले क्लास में हम आराम से आइडेंटिटीज वाले पोर्शन पे मूव कर सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चन और रह गया है वो हम बताते चलेंगे, जैसे कि अभी है ना 5 मिनट सर। हाँ बोलो सर। 5 नंबर दिखा क्या लास्ट में? वो वाला पेज दिखा दीजिएगा ना, आइडेंटिटी वाला। ठीक है दिखा देंगे।
और कौन बुकलेट नहीं ले गया जी तुम लोगों में? ओमकार, ओमकार, यस सर, तुम अभी पटना में ही रहेगा बहुत दिन तक? सर अभी खुलेगा तो आएंगे। कितना टाइम है तभी आने में? बहुत टाइम लगेगा पता नहीं सर, अभी कोरोना का जो होगा। मैं एड्रेस भेज देना पटना के, पटना वाला, ठीक है? तो ना भी बाहर है, पटना में जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ का एड्रेस भेज देना। फाइव नंबर बन गया, चार आएगा आंसर इसका। बना सबसे या कोई है जिसे नहीं बना? सर बन गया। जिसे नहीं बना बताओ। फाइव हो जाएगा तो ये करना। टू कॉस 67 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 50 डिग्री cot 50 degree माइनस cos 0 डिग्री। जिसका वैल्यू पता होता है वहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेगा। जैसे तुमको सारे का 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू सबका पता होता है तो उस जगह पे तुमको वैल्यूज लिखने होंगे। जैसे यहाँ cos 0 है तो तुमको cos 0 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। 0 कितना? 0। हाँ ठीक है, वो अंधाधुंध बनाया जा रहा है लौंडा, और क्या है कि नहीं जी? हाँ समीर, क्या अंधाधुंध मारे जा रहा है ना कि बना रहा है? बना ही रहा है कि हाँ सर, आप उधर बोल रहे हैं, हम नीचे यहाँ पे उसका वैल्यू लिखते जा रहे हैं। हाँ शैतान ने ऐसे ही नहीं बोलते हैं बाकी लोग, पता नहीं तुषार लोग बोलता है बहुत सीधा बच्चा है ये, काहे का ही सीधा रहेगा। cos यहाँ पे क्या लिखा है? 2 cos कहाँ पे? 2 cos 67। क्या कुछ बोले क्या? बाद में बोलेंगे, क्लास हो जाने दो, एक बार में सुनता ही नहीं है तुम। 6 बन जाएगा तो ये सब क्वेश्चन अगले क्लास में, कुछ और भी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड ये पढ़ा देंगे, और अगर क्वेश्चन देना हो तो दे ही सकते तुम लोग को बनाने के लिए होमवर्क, कर लोगे ना? कुछ पार्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं वो सब हम अगले क्लास में सब कुछ डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है? अभी क्लास है ना सर? ठीक है फिर, टाइम हो गया अपना, कुछ क्वेश्चन और इस पे करवाएंगे। तुम लोग पैकेज से कुछ क्वेश्चन करके आना। कब है अगला क्लास? परसों है सर। परसों है तो उस हिसाब से हम 10 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं करना तो इसको। एक्सरसाइज 2 का सारा जो जो करना था वो करवा चुके हैं तुम लोग से। एक्सरसाइज 2 में देख लेना कौन कौन क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है, वो सब एक बार बना जाना खुद से। जैसे अब तुम लोग ये क्वेश्चन अभी बना सकता है, आइडेंटिटीज पे है, ये नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 अब कर सकते हो। नाइन कर लेना, टेन छोड़ देना क्योंकि टेन आइडेंटिटीज पे जाएगा। जो मार्क करा रहे वही बनाना, फालतू का एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी नहीं। नाइन का आंसर 2 है। जो क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं वही करेगा, ज्यादा अभी मत करेगा। 9 कर लेना, 11 कर लेना लिखते चलो, 13 कर लेना, 13 उसके बाद ये सब तो अभी नहीं करने बोले। इधर अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है सर। रुकिए रुकिए, ऊपर करिए, ऊपर करिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 2 का वही सब क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन बस। एक्सरसाइज 3 का तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हो। 1 कर लेना, 14 इंटू साइन 30 प्लस 6 इंटू कॉस 60 माइनस, ये बना के आना, देखना तो ये बनता है या नहीं। यहाँ क्या लिखा है? विदाउट यूजिंग टेबल्स।
ये कर लेना वन. क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर. बताओ कितना हुआ, उसे बता देना भाई. माता रानी का फोन आ गया. क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तुम लोग बना पाएगा? यहाँ पे कॉस इंटू सेक कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बना लोगे? अरे अपने बुकलेट में ही बना जाना ना, एक एक लाइन का सब क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सेवन भी बना सकते हो. सेवन के बाद नाइन तो डिस्कस कर ही दिए. टेन कितना हुआ क्वेश्चन? एक मिनट, नीचे करिए ना. दो तीन चार पांच छः और नीचे वाला क्वेश्चन सात. इससे तीन और दे देते हैं तो 13 क्वेश्चन हो जाएगा. ये कर लेना. देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, चलो 11 हम अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, छोड़ दो. 11 मत करो, 12 नहीं करो, 13 नहीं करो. एक 11 का हम बता देंगे कैसे सॉल्व किया. चलो इतना ही क्वेश्चन करके आना, इससे आगे जो भी है. हाँ एक 24 कर सकते हो. 24 कर पाओगे? 24 वहाँ कॉस है, वहाँ सेक हो जाएगा. 24 करके देखना. 24 में देखो यहाँ पे tan 5 और tan 85 लेना, और एक tan को cot में चेंज कर लेना, और फिर cot into tan 1 हो जाता है. ठीक है, तो उस तरीके का यहाँ पे सोचना. तो 24 अगर कर सकता है तो 24 भी कर लेना, और 24 के बाद ये 14 और यहाँ 13. चलो बस इतना ही करके आना. एक और रुक जाओ, एक और 11. तुमको पेयर ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट्री का. जैसे यहाँ 10 है तो 10 के साथ हमको 10 80 रखना होगा पास में. तो इस तरीके से सोच के इन सारे क्वेश्चन को बना लेना. क्वेश्चन मार्क कर लो फिर से. क्वेश्चन एक्सरसाइज 2-3 का 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 डिस्कस हो चुका है. इसको हम बस ऐसे ही मार्क कर दे रहे हैं ताकि अपने को भी ध्यान में रहे. 10, 11, 12 भी कर लोगे. 12 तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ थीटा का वैल्यू 45 हो जाएगा. 13, 14 के बाद डायरेक्टली हम बोले तुम्हें 24. इतना क्वेश्चन बनाना बस. और कुछ था तुम्हारा एक्सरसाइज 1-2 का, ये था एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 1-2 से दिया है, 3 क्वेश्चन. तो इतना करके आओ, आसान आसान क्वेश्चन है. एक घंटा बैठोगे आराम से पूरा का पूरा बना लोगे. जो नहीं बनेगा अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं आज का मीटिंग हम. किसी को डाउट आज के लेक्चर में कुछ? नो सर. अंजना, आदित्य, अक्षत? अक्षत नहीं सर. अनुप्रवा? नो सर. ले जा रहे बुकलेट, ले जा रहे. तेरा बुकलेट हम देंगे नहीं आज की बात बता रहे हैं. क्या लिखे हर्षदीप? अनुप्रवा को. हर्षदीप? यस सर. डाउट? नो सर. चलो ठीक है. तुषार, ऋषि, राज कौशल? नो सर, समझ आ गया. ठीक है, फिर समझ में आ गया तो एंड करते हैं मीटिंग. सेकंड क्लास लगाएंगे, क्या लिखा है हम मैसेज कर देंगे. ठीक ठीक है. चलो ठीक है, एंड कर रहे हैं मीटिंग. सर अरे क्या हुआ, 6 नंबर दिखाएंगे ना, क्वेश्चन क्या लिखा है? 6 नंबर बैक कीजिए, स्क्रीन पे आइए मेन. अरे सर को क्लास लेना है भाई लोग. पीडीएफ भेज देंगे, वहां से देख लेना. हम एंड कर रहे हैं मीटिंग. अच्छा सर. चलो ठीक है.